हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंदर यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक रेस्क्यू सेंटर फरुखनगर गुरुगोल। तो आज की हमारी वीडियो है वो है जो फैमिली के अंदर फ्रेंडली के लिए मैं आपको टॉप 5 ब्रीड बताऊंगा जो आप अपने घर में रख सकते हो। क्योंकि हमारे पास जब का कस्टमर आते हैं, क्यूरीज आती है, तो हमसे पूछते हैं कि घर के लिए कौन सा अच्छा डॉग है, फैमिली कौन सा अच्छा है, या कोई ऐसा डॉग हो जो बच्चों को ना हार्म ना करे, नुकसान ना पहुँचाए। तो इनके आज मैं आपको ऐसे नॉर्मल से 5 ब्रीड बताऊंगा जो इजीली आप कैरी कर सकते हो और उन्हें हैंडल कर सकते हो। आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो घर पे, उसका आपके साथ अगर आपके पास स्पेस कम भी है तो वो इजीली आपके घर में सेटल हो सकते हैं। तो वो ये वीडियो एंड तक हमारी ज़रूर देखें, कोई पॉइंट मिस मत कीजिए। और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये 5 ब्रीड है, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं जर्मन शेफर्ड से। जर्मन शेफर्ड सिक्योरिटी पर्पज, फ्रेंडली नेचर, बिल्कुल टॉप ब्रीड है। तो आप जर्मन शेफर्ड रख सकते हो, बिल्कुल क्या रख सकते हो, ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट ले जाइए। ये ऐसे लगा लो बोर्न बर्थ से है ये जो होती है जन्मजात से ही, ये काफ़ी इंटेलिजेंट स्मार्ट और ब्रीड है और सिक्योरिटी पर्पज़ में भी है। अगर दूसरी ब्रीड आती है लैब्राडोर आपके घर के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपके पास फैमिली मेंबर और बच्चे हैं तो उसके लिए कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि लैब्राडोर एक ऐसी ब्रीड है जो आप इजीली आपके घर में सेटल हो जाएगी और काटने का 1% भी चांस नहीं है बिल्कुल। ये सिर्फ इसकी हैबिट में आपको बता दूँ मोटी मोटी बातें, जो ये खाएगा और सोएगा। अगर आप लैब्रा ब्रीड को इतना सर्व करते हो, यानी कि आप उसको 2 चम्मच सर्व करते हो, तो उसके बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल फ्रेंडली है, हेल्थी ब्रीड है, किसी तरह का कोई आपकी फैमिली को हार्म नहीं पहुँचाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं बीगल जी। बिल्कुल बीगल एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल ही फ्रेंडली है, नेचर वाइज है, हल्का जैसे थोड़ा बहुत ही जैसे होता है कि नॉर्मली वॉक भी लेता है, तो ऐसा है, ये भी आपके फैमिली में एडजस्ट हो जाएगा। इसको स्पेस की भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आपको कहीं पर आना जाना हो तो ये आपके साथ भी चल सकता है कहीं भी। फोर्थ नंबर पर आती है पोमेरियन। बिल्कुल पोमेरियन एक ऐसी ब्रीड है जो लगभग आप कहीं भी देख सकते हो, हर गली के अंदर ये देखने को मिल जाएंगे। लगभग हर छोटे छोटे जो घर होते हैं जहाँ पे डॉग रखने की है कि हमें एक पेट चाहिए लेकिन हमारे पास स्पेस कम है, तो उसके लिए दोनों ब्रीड काफ़ी आसानी से हो जाएगी, पोमेरियन और बीगल एक बिल्कुल ईजिली आपके घर में सेटल हो जाएगी। आपके पास स्पेस कम है तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक नंबर की ब्रीड है, आप बिना सोचे इसको ले सकते हो। 5वें नंबर आप रहते हैं शिटजू। शिटजू को लगभग जो लड़कियाँ होती है, सॉरी जो गर्ल्स होते हैं, वो मतलब वो ज़्यादा उसे प्यार करती है। तो शिटजू एक टॉय ब्रीड है, ये बिल्कुल आप लगभग बहुत लवेबल है, मतलब अडोरेबल है, ये कहना मैं आपको चाहता हूँ कि शिटजू बहुत प्यारी ब्रीड है। आप उसको घर पे रख सकते हो, कम स्पेस के अंदर भी ये इजीली से आपके घर में सेट हो जाती है। तो मैं मतलब यही है कि आप शिटजू ला सकते हो, लेकिन शिटजू के अंदर एक प्रॉब्लम है, शिटजू के जो फर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनके जो फर वो झड़ जाते हैं, तो फर झड़ने की वजह से जो कोट होता है, सॉरी बाल होते हैं, वो जगह जगह पे हो जाते हैं। तो इसके लिए इसको ग्रूमिंग और मेंटेनेंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने जो शिटजू आपने रखी हुई तो उसको टाइम टू टाइम ग्रूमिंग करवानी पड़ेगी। तो बस यही है, उसको हेल्थी और वैक्सीनेशन, क्योंकि टॉय ब्रीड है, इनके काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप अपने घर में बिल्कुल शिटजू लेके आइए, लेकिन अगर आपके पास केयर नहीं कर पाते तो आप फिर बीगल या पोमेरियन ये इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि इनके बजाय जो शिटजू होती है उनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। तो आज की हमारी वीडियो यही थी कि हमने टॉप 5 ब्रीड बताई। अगर आपको इनमें से कोई ब्रीड अगर आपकी फेवरेट हो, पसंद हो, तो हमें कमेंट कीजिए। और मोस्ट अपडेट के लिए हम आप नेक्स्ट वीडियो मोस्ट डेंजरस ब्रीड के लेके ले आएंगे। आपके पास अगर एरिया ज़्यादा तो उसके ऊपर हम कमेंट वीडियो बनाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो यही थी, अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।